हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माधुरी किचन ब्लॉग। एंड ये हमने ले लिया है कच्चा हुआ नारियल ताज़ा। इसको हमने छोटा छोटा टुकड़े में काट कर लिया है। इसका हम बर्फी बनाने जा रहे हैं। और ये चीनी, ये थोड़ा से ड्राई फ्रूट्स, ये रिफाइंड ऑयल और ये है इलायची पाउडर। अब हम इसको जो है मिक्सर ग्राइंड में चलते हैं, पेस्ट बना लेते हैं। अगर ये ऐसे ना क्रश हो तो आप इसमें थोड़ा सा दूध डाल सकते हैं। इसमें हमने थोड़ा सा दूध डाल के इसको पीस लिया है। इस तरह से हमें चाहिए पेस्ट। अब सबसे पहले हम गैस जला लेते हैं। कढ़ाई को हम गर्म होने देंगे। इसमें हम डाल देंगे दूध। दूध लगभग 1 लीटर है। इसको हमने गाढ़ा कर लिया पहले से ही, देख सकते हैं। इसमें मलाई भी आ गई है। अब इसमें हम ऐड कर देते हैं ये सारा नारियल का जो पेस्ट है। दूध अभी हम थोड़ा और डालेंगे इसमें। इसमें हम थोड़ा दूध और डालेंगे। आप इसमें मलाई भी डाल सकते हैं, मिल्क में भी डाल सकते हैं। अब इसे हम 5 से 7 मिनट पकने देंगे। आप देख सकते हैं इसमें उबाल आ रहा है। और ये देख सकते हैं इस पेस्ट को हमने किस तरह से पीस लिया है। इतना ही हमको चाहिए, हल्का सा दरदरा रहे। वैसे भी नारियल को जब आप पीसते हैं तो थोड़ा दरदरा ही रह जाता है, बहुत स्मूथ नहीं बनता है। तो बिल्कुल हमें ऐसे ही चाहिए। इसमें जो है थोड़ा थोड़ा सा खोए का टेस्ट आता है, तो काफ़ी टेस्टी लगता है। इसमें सिर्फ नारियल का टेस्ट आपको नहीं आएगा, जैसे दूध की कोई मिठाई रहती है उस तरह का टेस्ट आएगा। इसलिए आप दूध इसमें ज़रूर ऐड करें। और इसे हम सूखने देंगे। तब तक हम एक थाली अपना चलते हैं ग्रीस कर लेते हैं। आपके पास अगर बर्फी बनाने वाला मोड हो तो उसी में बनाएं, नहीं तो आप नॉर्मल प्लेट थाली में भी बना सकते हैं। इस तरह हम ग्रीस कर लेंगे इसमें। और कुछ इसमें हम ड्राई फ्रूट छिड़क देंगे नीचे की साइड में, और कुछ ऊपर की साइड के लिए भी बचा के रख लेंगे हम इसमें। इसमें हम चीनी भी ऐड कर देंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड करें, क्योंकि दूध की भी मिठास इसमें रहती है और प्लस नारियल का भी मिठास रहता है। थोड़ा सा हम इसमें रिफाइंड ऑयल मॉइस्चर के लिए डाल देंगे। वैसे तो नारियल का अपना मॉइस्चर होता ही है। आप घी भी ऐड कर सकते हैं, बट हम घी नहीं खाते हैं तो इसलिए हम रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे। अब इसे हम सूखने देंगे। इसमें हम इलायची पाउडर भी ऐड कर देंगे। आप इसको आगे पीछे कभी भी कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप दूध गाढ़ा करके या खोया या मिल्क मेड या दूध का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, ताकि इसका टेस्ट जो है मिल्की मिल्की सा लगे। गैस की फ्लेम हम हाई रख दिए हैं ताकि जल्दी से अच्छे से सूख जाइए। ये पूरा एक नारियल है बड़ा वाला, उसी से इतना सारा जो है बन के तैयार हो जाएगा बर्फी। इसे हमें लगातार चलाना है, नहीं तो ये नीचे से लग जाएगा, टेस्ट बिल्कुल ख़राब आ जाएगा। अब ये सूखने के स्टेज पे आ गया है। आप देख सकते हैं अभी भी इसमें मॉइस्चर है। इसे हमें सुखाना है अच्छे से, ताकि ये अच्छे से थाली में सेट हो जाए।
ये लगभग सूख गया है, लेकिन हल्का हल्का सा देख सकते हैं जैसे आवाज़ आ रही है, इसके मतलब अभी थोड़ा सा हमें और सुखाना है, बिल्कुल सूखा रखना है ताकि अच्छे से सेट हो जाए, निकले नहीं। अब ये मेरा एकदम सूख गया है, अब इसमें इसको हम थाली में निकाल लेते हैं। इसे हम 3 से 4 घंटा फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए, ताकि अच्छे से सेट हो जाए। ऊपर से हम कुछ ड्राई फ्रूट गार्निश कर देंगे और इसे अच्छे से टैप कर देंगे ताकि अच्छे से। अब इसे हम चलते हैं फ्रिज में रखने, थोड़ा हम ठंडा कर लेंगे तब फ्रिज में ऐड करेंगे इसमें। फ्रेंड 3 से 4 घंटे हो गए हैं, इसको हम जो है कट कर लेते हैं बर्फी को। आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा पीस कट कर सकते हैं। इस तरह से हमने जो है निशान लगा लिया। अब चलते हैं प्लेटर में रख देते हैं। आप देख सकते हैं नारियल की बर्फी बन के तैयार हो गई है। आप भी इसी तरह से बना के एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल माधुरी किचन ब्लॉग को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और इसे आप व्रत में भी खा सकते हैं, बिना व्रत के भी खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू।